भारतीय जीवन बीमा निगम की ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से मंगलवार को अपने विभिन्न मांगों को लेकर द्वार प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर टाटगढ़ रोड स्थित LIC कार्यालय के मुख्य द्वार पर एकत्रित हुए कार्मिकों ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्मिक 30% की एक समान दर पर पारिवारिक पेंशन के भुगतान पर LIC बोर्ड की सिफारिशों की अधिसूचना शीघ्र जारी करने, NPS में प्रबंधन के योगदान को 10% से बढ़ाकर 14% करने तथा वेतन पुनर्निर्धारण पर शीघ्र अतिशीघ्र वार्ता शुरू करने की मांग कर रहे थे। शाखा सचिव हरीश कुमार कुमावत ने बताया कि उपरोक्त मांगों को लेकर ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके फलस्वरूप एसोसिएशन के निर्णयानुसार उक्त प्रदर्शन किया गया है। विरोध प्रदर्शन में ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन शाखा ब्यावर सचिव हरीश कुमार कुमावत, श्रवण कुमार प्रजापति, सीताराम प्रजापति, मनोज उदय, अनिल जैन, निशा मंगनानी, अलकेश परिहार, महेंद्र जांगीर, गजेंद्र बारिया, किरण शर्मा तथा अक्षय गहलोत आदि शामिल थे। ऑल इंडिया एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से NZI की इकाई शाखा के द्वारा हमने हमारे जो आगे से कॉल आई थी उसके आधार पे आज द्वार प्रदर्शन किया है, जिसमें हमारी मुख्य रूप से मांगे रखी गई है कि जो फैमिली पेंशन मिलती है वो एक समान रूप से 30% के आधार पर सबको मिले। NPS में जो मैनेजमेंट का योगदान 10% रहता था उसको बढ़ाकर के जो बोर्ड ने सिफारिशें की है 14% करने की, उसको मैनेजमेंट के द्वारा जो लंबित किया जा रहा है उसको शीघ्र लागू किया जाए और 1 अगस्त 2022 से हमारा जो वेज रिविजन का चार्ट ऑफ डिमांड दिया हुआ है वो अभी तक उस पर वार्ता शुरू नहीं है, उसको वार्ता को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए आज हमने यहाँ पर भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखा कार्यालय ब्यावर के बाहर सभी कार्मिकों ने एकजुट होकर NZI के तत्वावधान में द्वार प्रदर्शन किया है।